सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रिजू गेमर। आज हम फिर से खेलने वाले हैं डेथ पार्क 2। तो मुझे कई दिनों से कुछ काम लगा हुआ था, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन फाइनली आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, 3-4 दिन होने वाले हैं। तो ओके, तो मैं यहाँ पर अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पर आई थिंक मुझे ये प्रेशर बनाना है, लेकिन ये मॉन्स्टर मेरे पीछे पड़ा हुआ है और मेरे पास इसकी एमओ भी नहीं है। तो मेरे पास यहाँ एक बैट है और इसकी, चलो पिस्टल की तो एमओ हैगी ना, मैं इससे अब मार सकता हूँ इसको। 1, 2, 3, अबे मर जा भाई, ये मरता क्यों नहीं, कितनी गोली खाएगा वो। फाइनली गाइस इतनी सारी गोली खाने के बाद ये मर चुका है। अब देखते हैं कि यहाँ पर चेक करके कुछ हमें क्या मिलता है। और एक सामने ये भी है, अभी इसको भी टपका देते हैं। ओके, ये भी चलो मर गया है। तो इसका प्रेशर आई थिंक हमें सेट करना है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसका क्या करना है। तो देखते हैं कि ट्राई करके, क्योंकि मुझे पता तो नहीं है कैसा करना है, लगता है इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है। A few moments later. तो यहाँ पर कुछ ऐसा भी ट्राई कर लेते हैं कि शायद कुछ हो ही जाए। और फाइनली गाइज ये हो चुका है, काफ़ी टाइम लगा इसको होने में। तो फाइनली ये हमारी आग बुझ चुकी है, अब हम इसके अंदर भी जा सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि हमें क्या मिलने वाला है। ओके, तो फाइनली बुझ चुकी है, अब इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं कि हमें कुछ काम का मिलेगा या नहीं। काम का तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पर हमें मॉन्स्टर ये ज़रूर मिल गए। और इसको मैं टपका दूंगा, अबे मर जाना भाई। चलो फाइनली ये मर चुका है। तो अभी यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर कुछ हमें काम का मिलता है या नहीं। एक और मॉन्स्टर आ गया, अबे भाई साहब कितने सारे यार, तुम मैं कब तक मारूंगा इनमें। एक और गोली खा भाई, अरे भाई ये मरते और नहीं है यार, इतनी गोली खाते हैं, वेस्ट करवाते हैं हमारे टाइम को भी। तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है यार, मैं यहाँ बेफालतू आया था। और यहाँ पर ये क्या है भाई, यहाँ पर मुझे कोई बैटरी टाइप लगानी है, पता नहीं क्या है, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा मिला तो नहीं है। तो मैं अभी यहाँ पर आया हूँ डेथ पार्क में, यहाँ पर देख लेते हैं कि हमें कुछ मिलता है क्या। यहाँ पर क्या पड़ा है, ये एक सीजर पड़ा है। ओके, तो मुझे पता है इसका यूज हमें क्या करना है। और ये फिर से बलून आया, मतलब हमें फिर से ड्रीम वर्ल्ड में जाना पड़ेगा, लेकिन ये बलून जा कहाँ रहा है भाई। आई थिंक हमें इसे फॉलो करना है, तो देखते हैं कि ये कहाँ पर जाता है। अबे हट जा रे कहाँ, टूअर टू हट टूअर, पता नहीं ये क्या, और ये कहाँ चला गया बलून। ओके, ये सामने जा रहा है, आई थिंक हमें इसको फॉलो करना है, देखते हैं कि हमें कहाँ लेकर जाता है। और ये क्या पड़ी है, कुछ आई थिंक एमओ है, ये राइफल एमओ। ओके, तो वो सामने गया है, तो उसको भी चल कर देखते हैं कि कहाँ पर जाता है। अबे भाई रुक जा ना, ये तो वहीं जा रहा है जहाँ हमने आग को बुझाया था। पता नहीं यहाँ पर तो ये ब्लॉक है भाई, मुझे आई थिंक परे साइड से जाना पड़ेगा। ओके, तो देखते हैं कि ये एग्जैक्ट हमें कहाँ पर लेकर चलता है और कहाँ है भाई। ओके, वो उधर के जा रहा है, एक सामने मॉन्स्टर भी है, इनसे मैं थोड़ा दूर ही रहूँगा यार, बेवजह इस पर गोलियाँ वेस्ट होती हैं। तो ओके, तो इसके अंदर चला गया और हमें इस लॉक को इसके काटना है। ओके, तो ये कट चुका है, तो अब हम इसके अंदर जा सकते हैं। और वो किधर गया बलून, मैं तो सोच रहा था कि हमें ड्रीम वर्ल्ड में जाना पड़ेगा, लेकिन पता नहीं ये तो हमें कहाँ पर आ चुके हैं। तो हम आ चुके हैं अभी सीवरेज में। ओके, ऑलराइट, तो आई थिंक हम इसके अभी अंदर आ चुके हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें कुछ काम का मिलेगा या नहीं। तो ये सामने क्या है भाई, तो ये आई थिंक किसी जगह का मुझे मैप लग रहा है, देखते हैं। ये फार्म एंड सिटी सीवर। ओके, तो हम इसके सीवर में आ चुके हैं, तो इसको हम ले सकते हैं। तो इससे हम जा सकते हैं मिलिट्री बेस के एरिया में, जहाँ पर हमें वो की टाइप मिलने वाली है, जिससे हम डेथ पार्क के अंदर जा सकते हैं। और यहाँ पर ये बलून है, तो अब हमें जाना पड़ेगा इसके ड्रीम वर्ल्ड में। देखते हैं कि इसके ड्रीम वर्ल्ड में जाने के बाद ना सिस्टम थोड़ा ख़तरनाक तो ऐसे ही हो जाता है। तो हो गया, मैं कह ही रहा था कि कुछ ना कुछ हो ही जाता है, तुरंत आ जाता है यार हम ड्रीम वर्ल्ड में जाते ही। तो हम यहाँ पर हैं और जो सामने है, तो मुझे इससे बचते हुए यहाँ से पता नहीं कुछ ढूंढना है कि यहाँ से निकलना है, और वो सामने जा रहा है। ओके, तो वहाँ पर आई थिंक जाने का रास्ता यहीं से है, मैं इनको खोल सकता हूँ क्या, इसको घुमा कर देखता हूँ। ओके, तो एक तो खुल चुका है, लेकिन ये बाकी के दो कैसे खुलेंगे पता नहीं। इन आई थिंक मुझे ना ऐसे ही दो और ढूंढने हैं, तो देखते हैं कि मैं इनको कहाँ पर ढूंढता हूँ। और ये बंद भी हो गया है, मतलब मुझे तीनों का ना जल्दी जल्दी से खोलना पड़ेगा। तो देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर मुझे मिलने वाला है।
ओके तो एक तो यहाँ पर है, इसको फटा के खोल देते हैं हम, दूसरे को भी जल्दी से ढूंढने चलते हैं। सो फाइनली गाइज मैंने यहाँ पर तीनों डोर्स को ओपन कर दिया है और यहाँ से मैं अब निकल चुका हूँ। तो ये क्या कह रहा है, रन यू डोंट हाइड आई बेटर चेक हाउ इज सिस्टर डूइंग। अबे ये पता नहीं ये इसकी सिस्टर के साथ अब क्या करने वाला है। तो देखते हैं कि हमें तो यहाँ से निकलना है और इसको ख़त्म करना है। तो इसके अभी नीचे चलते हैं, अब कहाँ पर हम आ गए हैं पता नहीं। ओके तो अबे मुझे भाई अपने रियल वर्ल्ड में भेजो यार, ये मैं ड्रीम वर्ल्ड में नहीं रहना चाहता ये। ओके तो यहाँ पर अभी मैं सीवर में ही हूँ और इसके अंदर चलकर देखते हैं। एक एक चीज़ को ना मुझे चेक करते हुए चलना पड़ेगा। और ये क्या है भाई, यहाँ पर इनको डाउन करना है और पता नहीं इससे क्या हो रहा है। मैं नीचे जा सकता हूँ क्या, देखते हैं कि नहीं, आई फेल डाउन, मैं नीचे भी नहीं जा सकता। तो देखते हैं कि मुझे यहीं से कुछ करना है इस स्विच से। तो इसको मैं अभी ऊपर कर देखता हूँ अब क्या हुआ। ओके तो ये ऊपर आई है कुछ पता नहीं, अब इसको नीचे कर दूँ तो ये नीचे गई, लेकिन इससे काम क्या है भाई। तो यहाँ पर फाइनली गाइज इन बटनों से एक साल तक छेड़छाड़ करने के साथ मैं यहाँ पर कुछ तो मैंने किया था, मुझे खुद को नहीं पता कि ये क्या हो गया, बस तुक्का सा भेड़ गया जिससे मैं अब यहाँ से निकल सकता हूँ। ओके तो फाइनली मैं यहाँ से तो निकल चुका हूँ, जो सामने बलून भी है जिससे मैं अपने ड्रीम वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में अब जा सकता हूँ। तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा यार, इसके ड्रीम वर्ल्ड बहुत ही ये बेकार सा होता है। सो अब यहाँ से भी निकलते हैं कि आगे चलकर देखते हैं कि अब हमें क्या खतरा मिलने वाला है और हम यहाँ से अब कैसे निकलने वाले हैं इस सीवरेज से। तो यहाँ पर सामने अब ये किस तरह के मॉन्स्टर आ गए भाई, यहाँ पर भी जा रहा हूँ कुछ अलग टाइप के मॉन्स्टर आते हैं और यहाँ पर तो बहुत सारे रास्ते हैं यार, मैं कैसे निकलूँगा इधर से, देखते हैं कि कैसे हम यहाँ से निकल सकते हैं। ओके तो यहाँ से एक और मॉन्स्टर है, मैं इनसे पंगा नहीं लेना चाहता भाई। अरे यार क्यों ऐसी तैसी करा रहे हो अपनी। ऑलराइट गाइस तो मैं अभी यहाँ पर पहुँच चुका हूँ, ये कुछ नई सी लोकेशन है। तो यहाँ पर अंदर क्या है, यहाँ पर चलकर देख लेते हैं। ये कुछ एमओ है यहाँ पर शॉटगन की। ओके तो यहाँ पर भी है कुछ राइफल की एमओ और मैं यहाँ पर अपना गेम सेव कर सकता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अपना गेम ही सेव कर लूँगा, क्योंकि अगर मैं मरा तो मैं यहीं से अब रीस्टार्ट कर पाऊँगा। और कुछ तो यहाँ पर है नहीं तो इधर से निकल जाता हूँ। और यहाँ पर कुछ एमओ थी पिस्टल की, इन्हें भी ले ली मैंने। और ये मॉन्स्टर है इसको भी ख़त्म कर देते हैं। और ये सामने डोर है जिससे हम यहाँ से निकल सकते हैं। और ये क्या है भाई, प्रेस 7 2 step to the right, प्रेस 2 step up। ये आई थिंक कोई पज़ल है, हमें इसे सोल्व करना है तब हमें ये कोड मिलेगा। ओके गाइज मैं यहाँ पर समझ चुका हूँ कि मुझे क्या डालना है। तो 7 डालना है, फिर मुझे डालना है इसमें 9 है, फिर 3 है, फिर 1 है। तो इस तरीके से इसका कोड है। और फाइनली मैंने इसको खोल दिया और हम सीवरेज से निकलकर मिलिट्री बेस में अब पहुंच चुके हैं। अब इधर भी हमें अच्छे तरीके से चेक करना पड़ेगा कि कुछ हमसे मिस ना हो जाए। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर तो अभी कुछ काम का नहीं है, तो ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ एमओ है शॉटगन की, अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या और हमें मिलने वाला है। तो यहाँ पर शॉटगन भी है और इसमें भी हमारे पास अभी कुछ एमओज हैंगी। और इसमें क्या है भाई, ये ऑटोमेटिक डोर है, यहाँ पर पिस्टल की एमओ है और ये तो कुछ भी नहीं है। और देख लेते हैं यहाँ पर हमें क्या कुछ काम का मिलने वाला है। ओके तो मैं यहाँ पर आगे आता हूँ और ये क्या चीज़ है भाई, ओ माय गॉड क्या ही खतरनाक सा मॉन्स्टर है। और ये तो मेरे सामने ही आ रहा है भाई, इधर से मुझे निकलना पड़ेगा। ओ शिट, नहीं नहीं नहीं, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा भाई, निकल जल्दी निकलना पड़ेगा इधर से, ये नीचे जाने का डोर है। अबे मर जाना, शिट, अबे इसने तो मुझे ही मार दिया, अरे क्या ही खतरनाक था, 2-4 हिट में ही मुझे इसने मार दिया। ओके गाइज यहाँ पर हम मैं दोबारा से आ चुका हूँ, लेकिन इस बार मैं उस मॉन्स्टर से नहीं भिड़ने वाला, क्योंकि इन एमओज का उस पर कुछ असर ही नहीं पड़ता भाई। और यहाँ पर भी मैं अपना गेम सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पर भी गाइज सामने मुझे कुछ पजल टाइप दिखी है, ये रूम भी आई थिंक खुला हुआ है, बाकी दोनों रूम ब्लॉक हैं। तो मुझे कुछ ऐसा करने आया कि आई थिंक मुझे सारे रूम को अनलॉक करना है। तो देखते हैं कि इसमें क्या भी पज़ल है जो मुझे अभी सॉल्व करनी है। ओके गाइज मैं यहाँ पर समझ चुका हूँ कि अभी मुझे यहाँ पर क्या करना है। तो ये एक रूम है जिसको अभी मैंने खोल दिया है, तो इसके अंदर चलकर देख लेते हैं कि यहाँ पर कुछ हमें काम का मिलेगा कि नहीं। तो इसमें तो आई थिंक कुछ भी नहीं है, तो अभी मुझे दूसरा डोर ओपन करना है। तो अभी बाहर चलते हैं यहाँ पर और देख लेते हैं अच्छे तरीके से, कुछ भी नहीं है इधर से, तो निकलते हैं। अब मुझे ना सेकेंड डोर को ओपन करना है, तो मुझे इन सारी
जो ये डॉट है इन्हें सेकंड पे ले जाना होगा, जिससे ये सेकंड रूम भी खुल जाएगा, मतलब रूम ए खुल जाएगा। तो अब इस रूम ए के अंदर चलकर देखते हैं कि यहाँ पर कुछ भी है क्या। ये देख मेड किट पड़ी है, फर्स्ट एड, यहाँ पर और कुछ भी काम का नहीं है। अबे भाई इन रूम्स में है तो कुछ भी नहीं है, दे क्यों रखे हैं फिर। अब यहाँ पर तीसरा रूम को मैंने ओपन कर दिया, अब इसके अंदर चलकर देखते हैं, ये लास्ट है, और देख लेते हैं यहाँ पर हमें क्या मिल गया। ओके फाइनली गाइस हमें वो चीज़ मिल चुकी है जिससे हम डेथ पार्क के अंदर जा सकते हैं, तो ये बढ़िया हो चुका है। और यहाँ पर देख लेते हैं कि हमें कुछ और काम का मिलेगा। यहाँ पर एक बहुत ही डेंजरस सी हमें आई थिंक अब गन मिल चुकी है, ये बहुत बढ़िया हो गया। और इसमें तो इनफाइनाइट एमो है, ये बहुत बढ़िया है बात। और यहाँ से आई थिंक हम अब बाहर निकल सकते हैं, ये टूटेगा पता नहीं, आई थिंक हम इससे और से ही बाहर निकल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा और चेक करके कि अभी हमें कुछ और काम का मिल जाए तो। ओके गाइस मैं यहाँ पर चल कर देखते, और यहाँ पर ये मॉन्स्टर है और आई थिंक ये अभी मर चुका है, पता नहीं एक ही हिट में ये क्या मर चुका, अभी देखते हैं किसको। अबे यार गाइस ये तो एक ही हिट में मर गया पता नहीं, और ये अभी हमें कुछ और पजल मिल गई है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। तो गाइस होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में, तो तब तक के लिए गुड बाय।